असां नाज़रीन मुंहिंजो मेज़बान हुसैन थिएबो ऐं ॾिसी रहिया त फ्रंट पेज नाज़रीन असांजे फ्रंट पेज जे हिकिड़े ख़ुशूसी प्रोग्राम सां गॾु हींअर असां मीर महदी रज़ा ख़ान टालपुर प्रिंस ऑफ ख़ैरपुर सां गॾु आहियूं जंहिंसां असां ख़ुशूसनि अॼु ॻाल्हाईंदासीं ज़्यादातर असांजो जेको पाट हूंदो हिन डिस्कशन जो उहो हूंदो तारीख़ ते हिस्ट्री ते त जेका ख़ैरपुर रियासत हुई उहा कीअं वजूद में आई वह कि सर्वाइव कह उनका रूल ऑफ बिजनेस होंगे गवर्नमेंट जै पाकिस्तान आई उन वक्त जी रियासत हुई उनमें केतो डिफ्रेंस आमोक्रेसी आ उन डेमोक्रेसिया में तो जै वक्त रियासत हुई उनमें कड़ो फर्क होंगे मीर महदी रजा खान टालपुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया सर सबसे पहले तो ये बताएं आपकी कैसी तबीयत है आप खैरियत से हैं मालिक वो हटो बचो बाब बा मुलायजा होशियार और फिर अब आप सादगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सुकून किस में है सुकून दुनिया में किसी में भी सुकून नहीं है दुनिया में जब तक, तक दुनिया में है सुकून नहीं वो 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 वाली लाइफ बेहतर थी या अब वाली जो आप लाइफ गुजार रहे हैं वो बेहतर है अब वो ज़ाहिर मैंने मैं तो रियासत के बारह साल बाद पैदा पे, हुआ हाँ मगर मैंने वो बदलता हुआ ज़माना ज़रूर देखा और कम से कम ये जो है नॉमिनली गवर्नमेंट पाकिस्तान जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे टाइटल्स रिकगनाइज़ करती थी उसके बाद फिर वो अपने वायदे पे फिर गए वो तो बेचारे जिस मुल्क के अवाम के साथ ये हाल हो तो हमारे साथ ऐसा क्यों ना करें हम उस पर तफसी बात करेंगे आगे चल के आपकी आप हुकूमत वजूद में आई रियासत सत्रह सौ एटी थ्री में सेवनटीन एटी थ्री में मीर फ़त अली ख़ान टालपुर ने कलोड़ों को शिकस्त दी ये जंग क्या थी तारीख के शागिदों को बताएँ जो हमारे कबीले टालपुर कबीला था छोटा सा उसके जो सरबरा थे वो थे उस वक़्त मीर अब्दुल्ला खान और उनके बच्चे बहुत छोटे थे उस वक़्त और हुआ ये कि वो एक टालपुर कबीले में ये होता था कि आपस में हालात के मुताबिक अपना लीडर को चुना करते थे तो हुआ ये कि हमारे लीडर जिस वक़्त कलोरों ने हम पे हमला किया तो वो एक सरप्राइज़ सप्र... अटैक था एक गलती थी जो रियासत ने की सिंध ने और वो अफ़ग़ानिस्तान की फ़ौज भी उन्होंने मंगाई बलोचिस्तान की भी मंगाई राजपूत आर्मी भी मंगाई तो चार ममालिक फ़ौज तैयार हुई और जिस वक़्त टालपुरों पे हमला हुआ उस वक़्त ख़वात भी साथ थे कबीले के तो उनको कबीले ख़वात को पहले छुपाना पड़ा कि भाई इनको कहीं और ले जाओ और हमारे जो सरबरा को उन्होंने दावत दे के बुलाया और कतल कर दिया तो वो उधर गए जो मीर अब्दुल्ला खान कत्ल हो गए अब इधर जो है आगे पीछे तो बोला अब क्या करें फौज भी आ रही है हमारा तो कोई लीडर ही नहीं है तो मीर फ़तेह अली ख़ान को लोगों ने इस हालत में इमरजेंसी के हालत में तो पहले बुलाया मतलब ये हमारे को पता ही नहीं था कि कोई जंग होगा या क्या क्योंकि मीर बिजार खान ने सिंध फतह कर लिया था और वो क्योंकि मीर साहिबान के पीर थे उन्होंने अब पीर जब आदमी से माफ़ी मांगे और ये सब तो उस जमाने में तो तो उन्होंने ये किया क्या कि वापस कर लिया मीर अब्दुल्ला खान रियासत तो सिंध को फतह करके वापस 75 में फतह किया था सत्रह सौ फाइव में और फिर वापस भी कर लिया वापस किया तो उन्होंने फिर दोबारा ये कत्ल वारत का सिलसिला शुरू कर दिया कि जैसा ही कबाब में हड्डी निकल जाए मसला यह था कि फ़ौज का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो डायरेक्ट बादशाह की बात नहीं मानता था वो मीर मीर साहिबान के जो बड़े थे उनकी बात उनकी बात मानता था तो अब वो चाहते कि भाई ये डायरेक्ट इतना पावर किसी में होना तो ये बादशाह को बुरहला कि ये वफ़ादार थे और बताया भी हमसे ज़्यादा वफ़ादार आपको नहीं मिलेगा पर वो क़त्ल करने पे आ गए थे और शुरू में थे भी अच्छे मतलब हमारे ताल्लुक उनके साथ बहुत अच्छे थे और कलोड़ा रूलर्स भी बहुत अच्छे थे मगर रूलर मर मर गया बग़ैर वारिस के तो फिर वो रिश्तेदार आया जिसको अहमियत दरबार में पुराने ज़माने में नहीं मिलती नहीं मिलती आप बलोच हैं जी आप बेसिकली ये जो तालपुर लफ्स है इसकी क्या मायना है और आप कहाँ से लहजा लहजा मान बताते हैं मगर ये कुटालो खान थे तो जो आपके बड़े थे हाँ, बड़े थे जी और फिर अब ये हो जाता है जब एक दफ़ा ताज सर पे आ जाता है तो आदमी जो ज़रूरत कोशिश करता है कि ज़्यादा बड़ा बताया जाए मगर कम से कम इतने जो थे कि दूसरे सारे बलोच बड़े बड़े ख़ानदान इनके सरदारी में और बादशाही से पहले इनकी बात को माना करते थे राइट तो जब आपकी हुकूमत आई तो आप बलोच थे यहाँ पे जो नेटिव थे वो सिंधी थे वो उनका आपके साथ कैसा रवैया था जो सन ऑफ सॉयल थे उनका आपके साथ एक्सेप्टेंस कितना था क्योंकि यहाँ पे सिंध का ये होता है जो भी बाहर का आ जाता है वो दस या बीस साल अपने आइडेंटिटी को रखता है फिर खुद भी सिंधी हो जाता है सही अने मैंने आपसे सवाल भी किया था आप कहाँ से तशरीफ़ लाए थे पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग आए थे वहाँ से हलब से हलब से जो रू, रूलिंग कास्ट थी बलोचों की जी सर वो हलब से आई थी और वो फिर यहाँ पर शीस्तान में आके बसी वो जो भी हालात हुए थे पुराने ज़माने में और शीस्तान में से जो थे वहाँ के गवर्नर का मतलब और ये जो है शहनशाह ईरान जो उस ज़माने में होते थे, थे गालिबन सफवी तो उनके आर्मी में पोस्ट कम, कमांडर वगैरह इस उसके तो लफ्ज़ मीर जो है मेरा ख्याल से उधर से क्योंकि उसके मतलब कमांडर के होते हैं तो पता नहीं दस्ता छोटा या बड़ा तो अब तमाम टालपुर जो है वो मीर नहीं है मगर आज सबके जब सबके आपने जब आपकी रियासत वजूद में आई तो आपने उसके रूल ऑफ बिजनस क्या बनाए उसका हैरारकी क्या था स्ट्रक्चर क्या था वज़ी अज़म मैं आपको वजी ज़माने में भाई सादा लोग थे ये अलूम की चीज़ें नहीं थी बस नियत साफ़ थी और इनको शौ... और शौक ज्वेलरी और ख़जाने का ज़्यादा शौक़ था नहीं हीरे जवाहरत का तो इसके मान आवाम को कोई तकलीफ बहुत बिलमकबिल कम तो वो एक किताब है नबी बख्श बलोच की फाउंडेशन ऑफ टालपुर पावर इन सिंध वो आप पढ़ेंगे तो मरहूम ने काफ़ी मतलब ये एक्सटेंसिव रिसर्च की है और थोड़ा सा हमारे नाजरन को बताएं ना कि किस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था आप कैसे रूल कर रहे होते थे डिलीवर कैसे नहीं? कर रहे होते थे, थे? गवर्नेंस कैसे खुद अंग्रेज़ तारीफ़ कर रहे थे अब मुझे तो ज़माने का स्ट्रक्चर तो नहीं पता पर अंग्रेज़ ये काश हम मीरों का कानूनी निज़ाम अपनाते तो हमारे पास ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारा इम्प्रूव हो जाता तो ये जिनका तख्त बादशाही छीना जाए ज़्यादातर इलाका तो चले गया था ना हम लोगों से तो उनकी तारीफ थी ख़ास करके हैदराबाद के की मीरों की और वो जो थे मीर अब्दुल्ला के फर्जंद जो थे जिन्होंने अपने उनको एक छोटा सा इलाक़ा मिल गया था बाद में सबसे ज्यादा वेल मेंटेन्ड उनका होता था अच्छा आ, जब आपके पास ये हुकूमत आई तो उस वक्त सिंध जो था जी वो कितना था और आपकी हुकूमत कहाँ कहाँ थी अब हिंदुस्तान के वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे आपकी खैरपुर रियात में मिथनकोट तक शुमाल में और ये जो सिंध का आप डिप्रेशन देखते हैं कि एकदम सिंध अंदर से मुड़ के वे भावलपुर की तरफ से जाता है पीछे इंडिया के साइड पे ये आर्टिफिशियल है लेफ्टिनेंट बीचर्स ने ये बॉर्डर बनाया था जब सिंध को फतह किया था ताकि हमारे तीन किले जो हैं उससे खैरपुर को माजूर किया जाए क्योंकि तो बाहिर तो बहुत जाहिर है अखलाकान जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी चलती है दोस्ती का वो था मगर हकीकत ये थी ना हम उन पे एतबार ना वो हम पे एतबार। राइट। अब आते हैं आ, कुछ आ, लेखक का कहना ये भी है कि इनफैक्ट जब मियानी की जंग हुई जी। तो उस जंग के दौरान आप लोगों को अरेस्ट किया गया जी। और आपको हिंदुस्तान के के शहर लेके गए और नहीं, हमें नहीं। देखिए जो तीन रियासतें थी हैदराबाद हाँ। खैरपुर मीर और मीरपुर मीर खास तो मीरपुर खास और वहाँ और जो हैदराबाद के आ, जो खैरपुर के जो थे मीर रोस्तम खान उनका तख्त तख्ता पहले ही उन्हीं के वलीद ने उनको उतार दिया था वो थे हमारे बुज़ुर्ग उनके उस ज़माने में मूव होता था फ्रॉम ब्रदर टू ब्रदर अब उन्होंने अपने मतलब जैसा मीर सौराब खान बानी ने रखा कि मैं बड़ा बड़े बेटे को मिलेगा फिर दूसरे नंबर बेटे को फिर आखिरी सबसे छोटे बेटे को तो उसमें यह हुआ कि बीच वाला बेटा मर गया और जैसी वो वारिस बना तो उस पर झगड़ा आपस में भाइयों का शुरू मगर ये है कि मीरों की जो गलती थी वो ये थी कि और वो भी एक मजबूरी के तहत कि अफगानिस्तान से बार बार हमला होना राजपूतों से हमला होना र, ये जो है पंजाब से हमला होना नहीं इसमें हाँ, मुझे थोड़ा तो सा एक अंग्रेज़ों उन्होंने सोचा अंग्रेज़ों से दोस्ती करेंगे तो हमारा फ़ायदा हाँ नहीं ये जो आपके तीन आ, आ, एक हैदराबाद एक मीरपुर खास एक खैरपुर उसको रूल कहाँ से किया जाता था या ये तीनों सेपरेट अलग खैरपुर का तो रुपया ही था ओके ये आपके मीर ज़रूर थे लेकिन आपके साथ खैरपुर के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था नहीं वो ये था कि उनका मतलब मीर सौराब खान ने उनकी वो सुप्रेमसी कबूल नहीं की मगर मीर रुस्तम खान जो मीर सौराब खान के फर्जंद थे वो चाहते थे कि हम सब इतहाद हों और जैसा हैदराबाद चाहे वैसा हम करें मीर रुस्तम खान के छोटे भाई हमारे बुजुर्ग उन्होंने सब रियासतों को जितने भी थे उनको बोला खुदा के वास्ते अंग्रेज़ों के चक्कर में ना आओ पीठ में छुरा भोग देता है बहुत उसने मना किया बकौल जो अंग्रेज़ों ने ख़ुद लिखा है अपनी कुतुब में उस जमाने के ये तारीख़ की कुतुब नहीं जो गैजेटियर की तारीख है वो है प्रोपागैंडा आप समझ गए ना रियासत एम्पायर के फेवर प्रोपागैंडा असल तारीख आपको मिलेगी उस ज़माने के आपस में जो उन्होंने खतूत लिखे हैं और जो हालात हाजरा के कुतुब अच्छा जो दो जनवरी 1839 को अंग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेटर लिखा क्या वो तीनों रियासतों को लिखा या स, जिसकी वायलेशन हुई जिसके बाद सर आ, चार्ल्स नेपियर आए और उन्होंने आके मियानी के ऊपर अटैक किया या वो सिर्फ हैदराबाद को लिखा गया हैदराबाद को और मीरपुर खास काफ़ी हद तक अपने फॉरेन अफेयर्स हैदराबाद के हवाले कर, कर दिए थे खैरपुर ने अपने फॉरेन अफ़ेयर्स हैदराबाद के हवाले नहीं किए थे तीन किले बने थे खैरपुर स्टेट के ये नौशेरो फरोज़ के पास से उस जमाने में वो हदूद में होता था जो हैदराबाद को और ख़ैरपुर स्टेट को अलग तो जो मियानी की जंग थी वो क्या एक सिर्फ हैदराबाद ने लड़ा या उसमें खैरपुर भी शामिल था खैरपुर देखिए ना हमारे बुजुर्ग ने उनको बोला कि देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर इतना बड़ा है कि उस पर जैसा कि मशहूर है कि सूरज गुरूब नहीं होता इनको एक दफ़ा अपने मुल्क का उस जमाने में सैटेलाइट तो था नहीं जब तक अंदर नहीं आए तो मुल्क का पता नहीं पड़ता था अंदर आ गए तो फिर न सिर्फ अंदर आने दिया उनको मिलिट्री बेस भी दे दिया आपने वो बेचारे बोला अभी भी मौका है इनसे जंग लड़ो तब भी वो नहीं माने जब सारे मीरों ने दूसरी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ अग्री आखिरी अग्रीमेंट दोस्ती का अग्रीमेंट उनसे आखिरी अग्रीमेंट खैरपुर स्टेट ने किया था लास्ट फाइनल ये जो अग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं ये अग्रीमेंट तो बाद में हुआ ना जब आपको अठारह 1800 बत्तीस अट्ठारह तो पहले वाले अग्रीमेंट मगर हमारे बुजुर्ग ने जो फिफ्टी सेवन में पता नहीं कब हुआ वो लास्ट में जाके किया दे काफ़ी देर भी हो गई उसका नुकसान भी हमें हुआ अच्छा उस एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे टर्म्स एंड कंडीशंस 30 टू से इटर्नल फ्रेंडशिप उस पे अंग्रेज़ फिर गए 1832 अट्ठारह में और सखर ले लिया और दीगर इलाका जा मतलब मस्ती करने लगे और फिर ये आम, क्या कहते हैं ये जो है आ, बस कि हम हमेशा दोस्त होंगे दुश्मन से आप वो अंग्रेज़ उस पर फिर गए और उन्होंने जैसा वो करते थे उस में ईस्ट इंडिया कंपनी थी मतलब उसका जैसा आजकल के जो हमारे अच्छा जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई उनकी जो काफ़ी सारे बुक्स हैं उसमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस ये हैं कि ख़ास पे जो आपकी हुकूमत है आपने किसी भी मुल्क की जो डिफेंस होती है वो बहुत बेकबॉन होती है जैसे अभी इस वक्त पाकिस्तान की डिफेंस बहुत मज़बूत है जिसकी वजह से इंटरनल एक्सटरनल कितने भी साजिशें होती हैं वो कुछ भी नहीं करते थे लेकिन आपके लिए ये था कि आपकी डिफेंस बहुत वीक थी आपके पास अफ़गानिस्तान से लोग आके वो समता बत्ता लेके चले जाते थे आ, आ, बलोच आ जाते थे आपके अपने ही वो ही आपसे ले जाते थे बलोच नहीं आ, वो था बलोचिस्तान और ख़ान कलात हालांकि हम भी बलोच थे मगर वो आते थे अफगानिस्तान के साथ मिलकर कर और हमला करते थे सिंध पे और वो कहते थे कि सिंध उनका सूबा है जो उन्होंने नादिर शाह तो ख़त्म हो गए क्योंकि नादिर शाह के हवाले कर दिया था मुग़लों ने सिंध को तो ये कहते थे ये अभी भी हमारा सूबा है इसका टैक्स हमें जाना चाहिए फिर वो बॉर्डर पे आते थे कुछ चालीस हज़ार का लश्कर लेके अफगानिस्तान बलोचिस्तान वगैरह और हम जाते थे बॉर्डर पे लाड़काना के मैदान पे खैरपुर और यहाँ के जो हैदराबाद के और मीरपुर खास के अपनी फ़ौज बनती थी वो भी तकरीबन उतनी आमने सामने फिर वकील भेजा जाता था तो वो जो मांगते थे कभी उसका वन थर्ड करवाते थे कभी वन टेंथ करवाते थे और जब वो नहीं मानते थे कि नहीं हम ज़्यादा लेंगे जब बात तय नहीं होती थी फिर होता था जंग तो चार ऐसे जंगे हुए जिनमें उनको शिकस्त हुआ और वो भाग भाग पड़ेंगे लेकिन नादर तो शाह ये है ना कि थोड़ा सा पैसे से अगर पूरी आवाम की जान बच जाए तो बेहतर नहीं है काम जो है जंग भी लड़े जी चलो हम जीत तो जाएंगे मगर मसला ये है कि वो फिर आवाम तो बीच में अच्छा आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपका डिफेंस बहुत मजबूत था हाँ लेकिन आप मानना नहीं एक रियासत और बड़े बड़े वो अपने अफवान एम्पायर और बलूचिस्तान का जॉइंट आर्मी से लड़ना छोटे मुल्क का बहुत बड़ी बात थी लेकिन अगर आप नादर शाह का मिसाल दे रहे हैं तो नादर शाह जिस दिन हिंदुस्तान में आया दिल्ली में वो उतरा और उस दिन एक दिन के अंदर उसने तीस हजार आदमी मारे थे तो हमारा तो डिफेंस उस वक्त बहुत कमजोर था नहीं हमारा तो उससे कोई वास्ता हाँ था लेकिन नहीं। मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान था हिंदुस्तान का भी डिफेंस बहुत हिंदुस्तान जो था वो एक एम्पायर को एक नाम दिया गया है एम्पायर कहते हैं बाय डेफिनेशन उस चीज़ को जो एक मुल्क ने कई ममालिक बना हो तो या ये बरे सग़ीर है या ये एम्पायर था और वो एम्पायर जो मुग़लों का था ज़्यादातर चंद साल को छोड़ के ज़्यादातर पाकिस्तान जितना एरिया था उसका मर खड़ा होने के बजाय गेंजेटिक प्लेन जो था बंगाल से लेके ये जो है वहाँ तक अच्छा सर कभी प्यार किया इश्क किया ये कौन सा वो जो है क्या क्या नाम था उनका उन्होंने भी यही सवाल किया क्या कहते हैं सोहेल है? सोहेल सोहेलवाड़ा मेरा सवाल है ना आगे इसके बाद फिर आगे सवाल आ रहा है अफसोस है कि यह दरवाज़ा हमारे लिए बंद था अच्छा आप उस ख़ानदान से एक शहजादा है जो अठारह सौ पंद्रह में लंदन से आ रहा है और उसके बाप ने उसको कहा कि आप शादी करें ए, ए, एक शज़ादा आया जिसके लिए फिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया गया लेकिन उनको एक लड़की पसंद आई इकबाल बानो बानू अच्छा वो मीर अली नवाज़ नहीं हो सकते क्योंकि मीर अली नवाज़ की डेथ हुई थी अट्ठारह में और अट्ठारह में तो उनकी पैदाइश नहीं हुई होगी और अ, ये जो है, मीर अली नवाज वो जो मैं, इश्क दिए अजमेर गए थे मैं, मैं हाँ अजमेर हाँ, में पढ़ने गए थे अच्छा उन्होंने एक एक लड़की जो है वो प्यार किया इकबाल बानो जिसका जी, नाम जी, नाम जिसका बाली नाम था इकबाल हाँ, बेगम शायद तो क्या ये तारीख के वर्कों में जो आता है ये सच है हां हां सारी चीजें हैं उसके बारे में कुछ पता भाई वो जैसे उनके साथ मीर इमाम बख्श जिनकी तस्वीर बीच में उनके वालिद थे और वो बड़े परेशान होते थे क्योंकि एक जब आदमी बादशाह बन जाता है तो फिर उसके अतराफ जो लोग जमा होते हैं वो आते लालच की वजह से तो अब ज़ाहिर बच्चों को लोग ख़राब करेंगे तो उन्होंने अपने बच्चों को हटाया इधर उधर अजमेर भेजा मगर जो सात जो टीम गई जो नौकर था वो उनका ये काम था ये करना तो उनकी हमारी दादी से तो पहले शादी हो चुकी थी मीरा अली नवाज़ की मगर फिर जो था कि उनका एक इश्क हो गया अच्छा उस ज़माने में कोई आ अपने ख़ानदान से मतलब शाही ख़ानदान से बल्कि कोई वडेरा भी हो तो तवायफ को से शादी नहीं करता था लेकिन उन्होंने किया और उनके इश्क में बहुत हाँ उन्होंने इश्क किया और वो सिंसियर थे क्योंकि अपने इश्क से तो उन्होंने उनको शादी दी इज़्ज़त दी मगर बाद में उनको जब पता पड़ा कि ये मुझसे मोहब्बत ये है पैसे का चक्कर था सिर्फ तो पहले तो बहुत उन्होंने कोशिश किया क्योंकि वो हमेशा पैसा लेके वापस पैसा लेके वापस लाहौर चले जाती थी तो खैर जब उनको पता पड़ा कि यहाँ मोहब्बत नहीं है तो फिर वो ज़ाहिर है जो अब एक उस ज़माने में ये कॉम्प्लिकेटेड साइंस और साइकोलॉजी और सकाइट्री ऐसा डेवलप तो नहीं हुई थी तो फिर उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर हुआ वज़न भी बहुत बढ़ गया जब आदमी अंदर एक खला महसूस करता है तो ज़्यादा खाना शुरू करता है फिर उन्होंने मरते दम तक फिर उससे उनसे बात नहीं की बीवी बाली ने भी कोशिश की कि जब जिस वक़्त वो मर रहे थे कि उस वक़्त तो ये बात कर लें उनसे तो वो सादा था ख़ैमा जब मरने का वक्त आता था तो ज़माने में रूलर ख़ैमे में क्योंकि घर के अंदर मरना उसको सही नहीं माना जाता था बलोचों का वो हिसाब था तो एक ख़ैमा लगाया गया घर के दरवाज़े के बाहर और वहाँ पे उस ज़माने में जो बाद में रियासत के मेरे वालिद के नायब भी रहे आ, मीर अली डिनो वो उनकी ड्यूटी में खड़े थे ख़ैमे के अंदर और उन्होंने ये जो है वो आने की कोशिश की तो अंदर से उन्होंने बोला मैं जे इससे नहीं मिलना है तो उन्होंने फ़कत बाहर आके बीबी बाली से कहा कि ये आपने तो सुन लिया जो बादशाह ने कहा आपने सुन लिया तो वो उधर से पलट गई तो ये है कि उनके शुरू में तो वो मोहब्बत करते थे मगर जब उनको जब वो पता है ना दुनिया एक धोखा ही तो है ये तारीख के वर्कों में ये भी लिखा हुआ है कि Uh, मीर साहब जो है वो जब लाहौर गए तो वो पूरे एरिया के तमाम नोटेबल्स को डिस्ट्रीश को वो साथ लेके रिश्ता लेने गए क्या ये गलत लिखा गया है या नहीं, नहीं वो यहाँ के साथ जो है लो, लोगों को लेके गए और रिश्ता लेने नहीं वो पहले तो शादी हो गई थी मगर फिर वो जो एक घर जो था जो पहले का बना हुआ था गेस्ट हाउस जिसमें जैसा गवर्नर आए या वाइस रॉय आए वो रहता था फिर उधर से फिर वो अरेंजमेंट होता था ये पब पब्लिक शो के लिए कि उधर से एक प्रोटोकॉल से वो आएगा फिर फैज़ महल पहुँचेगा फिर इधर तोपों की सलामी होगी वगैरह होगा फिर यहाँ पे दरबार होगा फिर यहाँ से फिर फारग हो के वापस तो ये वो घर उसका नाम था ये जो है दिलशाद मंजिल जिसको बाली बंगलो वग़ैरह कहा जाता है गलती से तो उस जगह पे वो रहे तो पहले पहले उन्होंने वो सारे चांदी के जो दरवाज़े थे वो सारे उतार के ले गए तो फिर वो उनसे वाकई सीरियसली मोहब्बत करते थे तो इश्क में उन्होंने और शायराना तबीयत भी उनका था चार जबानों में शायरी करते थे गालिबन फारसी सिंधी सराइकी उर्दू तो वो उस उनके पीछे उधर भी गए बस ये अल्लाह उनकी मकफ़रत फरमाई अल्लाह बिल्कुल सही बात आपके दौर में जो खैरपुर रियासत थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता रहता था ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे ख़त्म हो गई इन स्पाइट ऑफ दैट कि वहाँ पर दो चीफ मिनिस्टर हैं बाकी भी अच्छे पोलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं फिर भी नहीं है आपने उनके साथ अपने लोगों के खैरपुर के लोगों के लिए कोई बात की कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दोबारा लाएं आ, वो समझिए समझिए दिया था जिसको जलाया चंद साल के लिए जला और आ, जो पाकिस्तान की जो इस्टेबलिशमेंट थी उसने उसको बुझा दिया जनरल अयूब ने कहा था कि ये इलाका सिंध सनत के लिए मुनासिब नहीं है तो बाकायदा मतलब अब वो उनको भेजा जिनको भेजना नहीं चाहिए ऐसे मामलों में और वो फैक्ट्रियों के अंदर घुसे और ट्रकों में सारा मटेरियल डाल के वहाँ पंजाब ले गए तो सनत यहाँ पे हो गई बंद तकरीबन उस ज़माने में तो जब तक थी बेचारी ये था कि मेरे वालिद ने जब पाकिस्तान के हवाले किया खैरपुर रियासत को वो जनरल स्कंदर मिर्जा ने कहा था कि भाई हमला होगा हमने ये थ्रेट कलात को भी दे दिया है भावलपुर को भी दे दिया है और हम ख़त्म हुए शुमाली रियासतों के ऊपर कोई गया ही नहीं सिर्फ़ हमारे रियासतों को ख़त्म क्योंकि ये उस वक्त प्रोग्रेस कर रहे थे और असल में कहानी है बहुत थोड़ा सा समझने के लिए कि आपको ये जब से जो एम्पायर बने ना ये वेस्ट वेस्टर्न यूरोप के फ्रांस का एम्पायर और ये पूरा पूरी दुनिया समझिए गोरे के कब्ज़े में आ गया था और जब ये एम्पायर के जाने का वक्त आया तो वो भी कोई शौक़ से नहीं गए हिटलर ने उनकी कमर तोड़ दी जिसकी वजह से वो कलोनी अब इनको हम तो उनका जैसा मुझे ख़ुद बताया एक अंग्रेज़ डिप्लोमेट ने कि हम 1880 ये सौ अस्सी तक पचासी तक या सेवेंटी फाइव तक याद नहीं एग्जैक्टली exactly, हम रह सकते थे इस बर शरीर पे कंट्रोल कब्ज़ा रख सकते थे मगर हमने इसलिए पहले छोड़ दिया ताकि जो हम जो रियासतें यहाँ छोड़ जाएं वो अच्छी रियासतें मतलब हमारी दोस्त रियासतों को पीछे छोड़ जाएं तो उसमें ज़रूरी यह था कि सारी पुरानी जो रियासतों को मिटाया जाए जब ये चीज़ें ये करेंगे अंग्रेज़ तो उसका मकसद ये था कि कोई जो हमारा ग़ुलाम था दोबारा हमारे बराबर या डेवलप ना हो सके और दूसरा मकसद ये था एक 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 ये रेसिस्ट का भी वो एक, एक इंटेंशंस भी थी रेसिज्म के अलावा दूसरा ये था कि अगर ये गरीब रहेंगे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से यहाँ के दाम सस्ते सिक्का हम सोने का रखेंगे नहीं कागज़ का सिक्का सबको चकमा दे के सबके हाथ में कागज़ थमा देंगे हम फकत कागज़ छापेंगे और वो भी बेवकूफ़ कागज़ मगर उनके कागज़ का कीमत हम तय करेंगे हम फ्लीट स्ट्रीट में या, या न्यूयॉर्क सिटी में जाके वहाँ पे हम तय करेंगे इनके कागज़ का तो अब इनकी हर चीज़ को सस्ता करके जो चीज़ हम मुफ़्त में ले छीन लेते थे अपना कह कर वो अब हम सस्ते दाम कागज़ दे के उनसे ले लेंगे बार बार तो ये एक पूरा प्लान बना था कि ये मसनू मुल्क बने असली मुल्क ना बने अच्छा चौदह अक्टूबर 1955 को आपका मर्जर हुआ पाकिस्तान में इससे पहले आप इंडिपेंडेंट जब पाकिस्तान की ये बनने की बात हो रही थी जब सेपरेशन हो रही थी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आपका प्रिंसली स्टेट था आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया जी ये आ, असल में ये था कि कुछ रियासतें आज़ादी चाहती थी नया नया अव मतहद बना था और उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में था बरतानिया खुद जिन लोगों ने अब सिक्योरिटी काउंसिल का कोई एक बंदा भी वीटो कर ले तो कोई भी मुल्क हो कितना भी हज़ार साल पुराना हो उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी और बलोचिस्तान का वीटो का थ्रेट से वो मेंबर नहीं बना कश्मीर को वीटो के थ्रेट से नहीं बना हैदराबाद दक्कन मिटा दिया गया उस पर हमला हुआ इंडिया का दो महीने तक जंग चली उनका जब पेट्रोल रन आउट हुआ तभी इंडिया ने उसको फतह किया बड़ोडा रियासत थी उसका मतलब वो मेंबर नहीं बन सका भूटान एक रियासत थी और मेरे वालद को सत्रह तोपों की सलामी थी भूतान को पंद्रह तोपों की सलामी थी भूतान के राजा ने बोला मुझे तो इलाहक नहीं करना है आप कुछ भी कर लेना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ और आप भली मुझे मेंबर ने बाकी सब प्रेशर में आ गए कि अगर वो मेंबर नहीं बना तो हम क्या करें तो हमने ये जो है वो तो हम पे तो अच्छा खैरपुर और भालपुर और जूनागढ़ ये तो शौक से शुरू में ही आ, मतलब पाकिस्तान में आ कलात ने अपोजिशन आप, आप ने वो बलोचिस्तान ने क्यों बरतानिया से बड़ा इलाका वो उसको। पल कलात इतने वसाइल और सब कुछ और अब देखो जितने वसाइल उतने करी पाकिस्तान के बनाने में आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी भाई हमारे को ये पता नहीं है हमारे यहाँ मीर हाजी ग़ुलाम हुसैन के पास खुद कायदेज़ पैसे लेने के लिए आते थे घर आते थे हाँ, और और इकबाल जिस वक़्त पाकिस्तान का ख्वाब भी नहीं था शायद वो भी आते थे पुराने दौर में वो मीर अली नास के दौर में नौकर उनको कहते थे लुंगी वारो मेहमान रात को जब सोते थे तो लुंगी महंगी अच्छा तो, तो म, इसका आ, मतलब है कि वो आपसे मशवरा भी हाँ, करते थे आपकी कंट्रीब्यूशन भी है पीछे तो बहुत पड़े थे क्योंकि देखे ना खैरपुर बैठा है सिंध के उस वक़्त बलोचिस्तान भी पाकिस्तान में फोर्टी एट में आया था बलोचिस्तान ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं 47 में पाकिस्तान का हम तो जानते हैं झूठ मगर इस मुल्क में झूठ के अलावा सच से किसका वास्ता ही किसका है इस मुल्क में पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान के साथ आपके बड़े अच्छे तल्लत रहे उसके बाद जब चौधरी मोहम्मद अली आए तो वो तो बीमार थे तो फिर

प्रेट प्रेट कर दिया। हो रहा है आ, आ, आ। भाई मैं आईएमएफ के पास जाने से पहले ख़ुदकुशी कर लूँगा हाँ। और वो क्या हुआ आपको देखिए और ये हैरत की बात है कि जॉन पर्किंस मतलब सीआईए का एजेंट था और वो कह रहा है अपने इनकशाफात में उसने एक मशहूर किताब है ना कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन ने उसने किस्त भी उसकी लिखी कि वो ऑफिशियली तो मतलब तनख्वा द आर सी आई का नहीं मतलब असल में था उनका एजेंट मतलब जो बड़े एजेंट होते हैं वो कागज़ पे उनका नाम नहीं होता है और उसकी जिम्मेदारी थी आई एम एफ़ और वर्ल्ड बैंक को संभालना और इन दो इदारों के जरिए पूरे दुनिया के जो तीसरी दुनिया के ममालिक के लीडरों को या तो लालच जो लालच में ना आए तो पहले उसको फिर उनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ बगावत किया जाए या उनको कत्ल किया जाए और अगर वो ना हो सके तो फिर फ़ौज से कोई ना कोई हमला किया जाए तो ये एक पूरा पैटर्न बकौल उसके जॉन पर्किंस के ये आपको पूरा अब आप तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं है आपसे ताल्लक कैसे हैं आप हमारे साथ तो कोई उसके भुट्टो के कैसे ताल्लुक थे अयूब के कैसे थे आपके साथ भाई देखिए इनकेूब अखलाक में तो बेचारे सही थे वो ये, मगर ये थे कि नीयत जो थी उनकी हमारे अवाम की तरफ और मेरे हमारे तरफ तो ये था कि भाई हम ये एक नया शहर को बना रहे हैं दारुल दार्सल्तनात आप डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव में आप जितनी ज़मीन चाहते हैं ले लें आठाने पर मगर मेरे वालिद ने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हालांकि आठाने गज़ पर अगर उस ज़माने में ले लेते तो फिर तो आज कई अरबों की ज़मीन होती तो पर्सनली वो हमारे ख़िलाफ़ नहीं था अच्छा भुट्टो साहब जो थे उसी उसी के साथ होते थे तो उनके जो वाकयात हैं वो जितना कम बयान किया जाए वो उतना ही अच्छा है समझे तो वैसे अखलाकन वो भी कोई मेरे वालिद के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कोई बदतमीज़ी या कुछ ऐसा नहीं कर सरकार कह के पुकारते थे मेरे वालिद को हाँ तो ये है कि मगर बस अजीब तबीयत सामने और पीछे और आपने एक पार्टी भी बनाने का बीच में सोचा था फिर कुछ मोबालाइज भी हुए थे क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने नहीं मैंने सिर्फ ये लोगों को समझाना था और क्योंकि बहुत लोगों ने प्रेशर किया कि कुछ करो कुछ करो मैं बोला देखो जो मैंने जो तकरीर में कहा लोगों के सामने कि गधे के ऊपर आप हवाई जहाज के कैप्टन को भी बिठा देंगे तो गधा उड़ेगा नहीं तो आप ये निज़ाम बना है देखिए ये एक शिकंजे हैं जो बनाए गए हैं पूरी दुनिया के ये जो सबक ग़ुलाों को तकलीफ़ में और गुरबत में और भूख और अफलास में और ज़िलत में रखने के लिए चंद रियासतें जो थीं वो इस चुंगल से बाहर निकल आई हैं जैसा कि सिंगापुर है मलेशिया है बाकी सब बेचारे पिस गए क्योंकि वो रियासतों ने वही किया जिस मकसद के लिए वो बनाए गए थे ना आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पाकिस्तान के अवाम को खास तौर पर खैरपुर खे, के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खैरपुर के लोगों को हाँ। जैसा मैंने कहा था आप एक ही पेड़ के मातम हाँ, जी सर खैरपुर है। के लोगों को अब ये अब तो वो अगर मे ख्याल हम एक तो ये है कि हमने उनसे दूरी की ये हमारी उसको गलती समझें या जो भी समझे, मगर उस ज़माने में ज़रूरी ये था कि अगर हम उनके हकूक़ के लिए लड़ते तो हम मारे नहीं जाते वो मारे जाते बेचारे टॉर्चर होते उसका कोई फ़ायदा नहीं होता एक आदमी जो है वो दो का मुकाबला कर ले तीन का मुकाबला, एक आदमी सौ से लड़ नहीं सकता तो एक दूरी की वजह ये है दूसरा ये है कि देखो ये निज़ाम जो है इसको आपने आराम से देख लिया है ओके okay. और सत्तर साल से हम भी देखते आएँ आप भी देखते आएँ आप समझ गए ना और ये जो सिस्टम है ये कभी भी अब आप, आपको तो लगता है कि एक बस आदमी को आपने वोट डाल दिया वो वो चार सौ लोगों के असेंबली में बैठ जाएगा जिसमें साल में एक या दो बार या तीन बार उसको पंद्रह मिनट मिल जाएंगे उस पंद्रह मिनट में जो वो कुछ बातें कहेगा असेंबली में ऐसा मौजदा हो जाएगा कि आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी वो गया वो ज़माना गया जब हाकिम आपके गोद में बैठता था आप समझ गए ना अब हाकिम वो, या तो उधर वाला दिल्ली में बैठता है और इधर वाला वो जो इस्लामाबाद में बैठता है वहाँ जो कुछ करे आप यहाँ अपने पूरे शहर को आग लगा दें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप समझ गए ना आवाम को क्या करना चाहिए सर हवाम को बस आपस में अपने जैसा मैं कह रहा था कि एक दूसरे का थोड़ा सा ख्याल रखो ये ऐसे कि जगह आ गए हो जहाँ अंधेरा है रास्ते का कोई नज़र नहीं आएगा मगर अगर अपना आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे आप समझ गए ना सौ लोग जमा हो गए कि भाई हम दूसरे का बच नहीं सकते मेरे एक बेचारी बेवा है उसके बच्चे भूख मार रहे हैं हम एक सिगरेट का डब्बा हम एक हफ़्ते का कम करके सब एक एक सिगरेट का डब्बे का पैसा जमा करके खुद सिगरेट ना पिए उस गरीब को दे दें आप समझ गए ना थोड़ा सिगरेट कम करके अपना तो ये नियत से करेंगे शायद अल्लाह एक दिया एक रोशनी पैदा करे जो आपको आगे रास्ता मेरा पैगाम ये था क्योंकि इस वक्त का तहमीर जैसा अल्लाह ने इस रस्ते में ढकेल दिया है क्योंकि एक वक्त पे हम लोग खामोश रहे जबकि खामोश नहीं रहना चाहिए साई मीर मदी रजा टालपू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया नाजीन से जो प्रोग्राम जो टाइम खत्म थोड़ा है जिथे भी रहो खुश रहो पाँच पान के करोना वायरस का बचाए रखो खुदाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद